Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today I just wanted you to all join me in my kitchen, and the reason is because we are making chole today, chole bature. We may not make the bature in the end because we're trying to go for a low fat recipe. So let me show you first. अब ये जो से छोले हमने रात को इनको भिगोए थे और इतने सारे भिगोए गए थे कि अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये हमने क्या करा कि ये देखो पहले से दिन को हमने ये बनाए, ये बिल्कुल फैट फ्री छोले बने थे प्रेशर कुकर में और ये क्लासिकल, ये देखो कितने मज़ेदार लग रहे हैं। ये मैंने बनाए थे बिल्कुल फैट फ्री विद क्लासिक मसाले, बस आप कह सकते हैं गर्म मसाला, ज़ीरा, सॉल्ट और धनिया पाउडर, रियली रियली नाइस। और ये जो से इनको थोड़े से मैंने ना लज़ेदार बनाए हैं, इसमें फिर मैंने फैट डाली है और ग्रीन चिली भी डाली है। अब इसके ऊपर और गार्निशेस डालेंगे और इसको बेशक हम ना समोसा चाट के साथ या खा सकते हैं, बट नॉट फॉर मी बिकॉज इनमें फैट है, राइट। तो अब मैं आपको बता रही हूँ जो सर नेक्स्ट रेसिपी हम बना रहे हैं और वो है एक स्पेशल स्ट्रीट स्टाइल छोले जो से बनते हैं, जो से उनके में क्या होता है कि उनमें ना वो बहुत ज़्यादा रंग भी होता है, पर रंग मैं आपको बताऊंगी किधर से आएगा, क्योंकि ब्रिलियंट रेसिपी हमने देखी थी और हम वो बता रहे हैं। अब मैं ये बता रही हूँ, इनको मैंने थोड़ा सा ऐसे करा कि जो सी ऊपर जो सी जाग होती है बस कम, मैंने सारी उतार दी है। और अब हम क्या करेंगे, ये आप दिख रहे हैं, और अब मैं बताऊँगी इसमें क्या क्या हम डालेंगे। पहले तो हम ये लहसुन डालेंगे इसके बीच में ताकि इसका सारा फ्लेवर इसमें आ जाए, ये हमने डाल लिया। फिर इसके बाद ये मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये हमने गरम मसाला बनाया, अब आप देख रहे हैं इसको, इसमें हमने क्या क्या डाला। ये फ्रेश पिसा हुआ गर्म मसाला है, जो से दूसरे छोले भी हमने बनाए थे उसमें भी फ्रेश गर्म मसाला हमने डाला था। इसमें क्या क्या डाला है, बड़ी स्पेशल चीज़ें डाली हैं। इसमें डाला है सिनेमन, लौंग, बेलीज, क्या होता है तेज़ पत्ता, और इसमें ना स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है कि हमने ये कसूरी मेथी भी तो इसे डाली, ये जो सी ड्राई मेथी होती है, राइट। और इसमें और क्या क्या डाला है, इसमें बेलीफ डाला है, काली मिर्चें डली हैं और ज़ीरा डाला है, धनिया डाला है और साबुत लाल मिर्चें डली हैं। ओह यस, साबुत लाल मिर्चें जो ड्राई वो भी डली हैं, और उसके अलावा जो है वो इसमें कसूरी मेथी डली है और क्या, और वो बड़ी काली इलायची नहीं होती, ओ मोटी इलायची, मोटी इलायची वो डाली है। जैक हेल्प मी, ही मेड ऑल द मसाला फॉर बोथ दैट वन एंड दिस वन। सो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम ना तकरीबन इसमें 2 टीस्पून, अब आप देख रहे हैं और इसको भूना है पहले इसको। ओह यस, इसमें ये कि हमने पहले सारे को रोस्ट करेंगे मसाले, ये तो इसको रोस्ट करने के बाद फिर उसको ग्राइंड किया। अब ये 2 टीस्पून भर के मैंने डाली है इस मसाले की, राइट, और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, राइट। अब तो इसमें ऑलरेडी काफ़ी रंग अच्छा आ रहा है, पर इसको और रंग तेज़ करने के लिए मैंने ये प्रिपेयर करी है चाय। चाय इसका स्पेशल इंग्रेडिएंट है, आप देख सकते हैं इसमें 2 पत्ती चाय हमने डाली है, स्ट्रॉन्ग सी चाय बना रही है और ये सारा इसमें जा रहा है। और ये देखो कितना रंग इसका, जब ये पक जाएगा ना कितना खूबसूरत रंग, हम फिर आपको बताएंगे जब ये सब कुछ पक जाएगा। एक घंटे बाद के काले छोले जो होते हैं उसकी स्पेशल रेसिपी है। अच्छा, लास्ट नॉट लास्ट पर एक स्पेशल इंग्रेडिएंट इसमें डल रहा है और वो है मेरा फेवरेट अनारदाना। इसी अब इसमें ये ऑलरेडी पिसा हुआ अनारदाना है, इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून भर के। अब रंग देखो अनारदाना का, चाय का और इस मसालों का कैसे आएगा। हमने ये भी करना कि नमक भी हमने डालना है, तो मैं अब डाल रही हूँ एटलीस्ट 1 टीस्पून भर के हम नमक की डालेंगे इसमें। तो ये हम डाल रहे हैं सी सॉल्ट, ये 1 चम्मच भर के, और हो सकता है थोड़ा सा और भी चाहिए हो, मैं भी चेक करूँगी, राइट। और लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें थोड़ा सा हम बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा डालेंगे। ये रात को हमने सोक करे थे, पर थोड़ा सा हम इसलिए डालेंगे ताकि हम चाहते हैं कि ये बहुत ही नरम अच्छे बने। तकरीबन 1/2 टीस्पून कितना खूबसूरत रंग निकल है। अब इसको हम तकरीबन 1.5 घंटा हम इसको पकाएंगे, एंड देन एवरीबॉडी जॉइन अस इन एन आवर एंड हाफ वंस इट्स ऑल कुक्ड, जब हम गार्निशेस और एवरीथिंग ऊपर डालेंगे फिर प्लीज जॉइन अस और हम आपको बताएंगे ये कैसे बने हैं और कितनी टेस्टी बनी है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी।